हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया है और आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का ट्यूटोरियल वीडियो। इस चैनल के कई सारे कॉपी हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो आपको उनसे बचना है क्योंकि वो सब फेक वीडियोस अपलोड करते हैं। दी रियल एमएसपी नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया इज द चैनल जिसमें 150 से ज्यादा वीडियोस हैं और 300 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं करेंटली, और इसको हमें मिलियंस तक ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। पॉइंट टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कितने पॉइंट कवर करेंगे, किस क्रम में करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, इंडिया में क्यों है। रफ इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। इसमें हम लोग बुक में जाएंगे, लाइन बाय लाइन रफ इंट्रोडक्शन करेंगे और एक दो मिनट में हम पूरे बुक को रफली देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। इसके बाद हम कुछ मेजर पॉइंट जैसे कि व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन पर डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसके इफेक्ट देखेंगे और सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक में हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हु आर आदिवासीज। आदिवासीज कौन है, कितने उनकी लैंग्वेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं और उनकी माइनॉरिटीज से उनको क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब देखेंगे। इसके बाद माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आदिवासी माइनर हैं। अगर आपको पता नहीं है कि माइनर और मेजर क्या होता है, तो माइनर वो होते हैं जो संख्या में कम रहते हैं और मेजर वो रहते हैं जो संख्या में ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि 100 लोगों में से अगर 20 का एक ग्रुप है और 80 का एक ग्रुप है, 20-80 का अगर ग्रुप है तो 20 होंगे माइनर ग्रुप और 80 वाले होंगे मेजर ग्रुप। तो ये है माइनॉरिटी, जैसे जो कम संख्या में है, जैसे आदिवासी हो गए और शेड्यूल ट्राइब और ऐसे करके हम लोग ओबीसी, इन सारे माइनर लोगों पर देखेंगे कि आखिर उन्हें मार्जिनलाइज क्यों किया गया है और उसके लिए गवर्नमेंट, उन्हें वापस लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। इसके बाद हम लोग आखिरी में कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्जिनलाइजेशन आखिर है क्या। इस वर्ड के बारे में आप लोगों ने कई अपने स्कूल स्टडीज में कई बार सुना होगा। मार्जिन्स, मार्जिन्स आपकी कॉपीज में भी रहती हैं, नोटबुक कॉपी में भी, और जिसके पीछे आपको लिखने को कहा जाता है और यहाँ पर आप पूरा लिखते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक दो नंबर्स लिखते हैं या फिर इस लाइन को छोड़ देते हैं। मार्जिन में कभी कुछ नहीं लिखा जाता है, ये आपको नोटिस करना चाहिए। सो जैसे कि अगर इस पेज पे मैं मार्जिन बनाऊं, तो मैं पहले इस पेज को या तो मोड़ दूंगा या फिर एक लाइन खींच लूंगा कि ये मेरा लास्ट एंड पॉइंट है, इसके इधर मुझे नहीं जाना है। मुझे कुछ भी लिखना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इस पर ये होता है मार्जिन। पर मार्जिनलाइजेशन का आखिर मीनिंग क्या है? सो मार्जिनलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो मार्जिन से आया है, यानी कि सोसाइटी में, जैसे अगर ये सोसाइटी है पूरी, तो उसमें एक मार्जिन खींच देना और किसी एक ग्रुप को अलग कर देना, जैसे 100 लोगों में से 20 या 15 लोगों को अलग कर देना और उन पर ध्यान ना देना, इसे कहते हैं मार्जिन। और इसे हम भेदभाव भी कह सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर है, ये ग्रुप है, मान लीजिए ग्रुप ए है, और ये ग्रुप किस मार्जिन के बेसिस पे है, रिलीजन। ये रिलीजन फर्स्ट पॉइंट, या फिर ये हो सकता है किसी पार्टी, सोशल पार्टी। तो ये है एक सोशल ग्रुप और ये है ग्रुप बी। इसमें बहुत कम लोग हैं, रिलीजन अलग रिलीजन है और एक सोशल ग्रुप है। तो क्या होता है कि ये ज्यादा लोग अपनी पूरी सोसाइटी को अपना बनाने के लिए इन लोगों को अपने से डिवाइड कर देते हैं और अपने साथ नहीं रहने देते और इनके साथ भेदभाव होता है, जैसे कई राइट्स इन्हें नहीं मिलते। तो इसे ही हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। और इंडिया में ये प्रथा बहुत चली थी 1947-1950 से पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक बहुत प्रथा थी जो आज भी चल रही है पिछड़े इलाकों में, जिसे कहते हैं छुआछूत, यानी कि अनटचेबिलिटी। कोई भी किसी
छोटे कास्ट के लोगों को ना छूने की ये परंपरा थी इंडिया में। इसी वजह से हमारा देश कहीं ना कहीं इसी वजह से गुलाम बना था और आज भी इसके ऊपर कोई भी संतुलन नहीं है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर में चलकर देखते हैं और उसका एक रफली व्यू लेते हैं उस चैप्टर का। सबको समझ में आ रहा है फिर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लो, ओके। और इसके बाद दूसरा भी पार्ट है उसको भी देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। हाँ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है क्या, आपको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर दिन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।